आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड की। जब भी आप किसी को छींकते हुए देखते हैं या किसी का नाक बह रहा हो या नाक बंद हो तो उसे कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड कहते हैं। कॉमन कोल्ड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये बहुत कॉमन है। ये करोड़ों को होता है हर साल और ये साल में कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये बच्चों में होता है। और बच्चों में ये सबसे कॉमन कारण है स्कूल से छुट्टी लेने का। बड़ों में ऑफ कोर्स अपने वर्क से छुट्टी लेने का ये भी एक कॉमन कारण है। कॉमन कोल्ड में थोड़ा बहुत फीवर होना, बुखार होना कॉमन है, लेकिन इसके साथ और भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि गले में खराश, सोर थ्रोट, सर में दर्द, खांसी, बदन दर्द। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि कौन सा वायरस जो आपके अंदर आया है। बहुत प्रकार के वायरस है कॉमन कोल्ड, और ये वायरस ये बहुत आसानी से फैलता है। ये तब फैलता है जब आप छींकते हैं, खांसते हैं या अपना नाक ब्लो करते हैं बिना कवर किए, और इससे छोटे छोटे टाइनी एयर ड्रॉपलेट्स हवा के अंदर पानी के छोटे छोटे वो बन के बाहर फैल जाते हैं। आपको ये हो सकता है अगर आपके आसपास कोई खांसे, छींके या नाक ब्लो करे, या फिर आपने किसी ऐसी चीज को छू लिया और उसे फिर नाक छू लिया जिसे कि जिस पर कि वो एयर ड्रॉपलेट गिरा हो, तो आप इससे बच नहीं सकते, ये आपको होगा। और पहले 2 से 3 दिन सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब आप इसे सबसे ज्यादा आपके पहले 2 से 3 दिनों में ही फैला देंगे। किसी किसी का ये 1 हफ्ते से ज्यादा भी रह सकता है, 1 हफ्ते से ऊपर फिर ये कम्युनिकेबल नहीं रह जाता। कॉमन कोल्ड का इलाज होता है रेस्ट और बहुत सारा पानी पीना, बस। कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन है, इसमें कोई एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं। आप ओवर द काउंटर नेजल डीकंजेस्टेंट मेडिकेशंस ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस ले सकते हैं, लेकिन इन सारी मेडिकेशन से आपको सिर्फ टेम्पररी राहत मिलेगी। कॉमन कोल्ड वायरस अपना साइकिल कंप्लीट करके ही ठीक होगा, इससे उसे जल्दी नहीं भगा सकते आप। नॉर्मली कॉमन कोल्ड का साइकिल 1 हफ्ते से नीचे नीचे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स, अगर आपका 1 हफ्ते से ज्यादा की दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए और टेस्ट करवाइए। और भी कोई कारण है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। और कुछ केसेस में कॉमन कोल्ड कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेट होके इन्फेक्शन फैल सकता है, तो इससे आपको निमोनिया भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। कई लोगों में रनिंग नोज में जो नाक से म्यूकस बहता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ पीला भी पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, ये नॉर्मल चीज है और ये उसकी नॉर्मल साइकिल में होता है। हफ्ते भर में ये अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको सिर्फ रेस्ट करना है और ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो होती हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स जो होती हैं जैसे लिवोसिट्रिजीन, एटेरैक्स, इन सब से आप टेम्पररी रिलीफ पा सकते हैं। बच्चों के कॉमन कोल्ड को भी एंटीबायोटिक से ट्रीट ना करें, डॉक्टर की सलाह माने, डॉक्टर के पास जाएं और उनसे बात करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमन कोल्ड को हराने के लिए ये सभी को शेयर करें, आपके व्हाट्सएप में हर ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, ट्विटर में, लिंक्डइन में शेयर करें। शेयर करने से आपका नुकसान नहीं होगा, दूसरों का फायदा होगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, बहुत शेयर कर लिया, कुछ अच्छी चीज़ शेयर करें ना। थैंक यू।